हरदा में किसान आत्महत्या और चना घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पवार और पूर्व विधायक आरके दोगने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मंत्री और अधिकारियों को बचाने के लिए किसानों को फर्जी बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल खुद किसान हैं, वह फर्जी किसानों की परिभाषा बताएं, जबकि किसान ऋण माफी के मुद्दे पर कृषि मंत्री ने विधानसभा में सच बोला और अब किसानों के सामने झूठ बोल रहे हैं। पूर्व विधायक आरके दोगने ने तो यहां तक कह दिया कि यदि पूर्व सीएम कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज होती है तो प्रदेश में आग लग जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद कांग्रेस की दोबारा सरकार बनेगी। 68,660 रुपए के किसान तो क्रिकेट सोसाइटी के घूम रहे हैं अभी भी। ये हमारे पास उनके बिल सहित प्रमाणित है। दूसरे वो कह रहे कि परमानंद और ये चने बेचे नहीं, परमानंद की पत्नी ये आपके सामने है, ये ऋण पुस्तिका है। परमानंद प्रियंका पति परमानंद पर हुक्म पिता परमानंद उसकी मम्मी के उसके भाई के जब परिवार में संयुक्त रहता एक व्यक्ति कोई भी काम करता ना, किसानी का या बाजार का अलग अलग काम करता। परमानंद के घर के 5 खाते पे चने तुले, कुछ पेमेंट मिल चुका है, जो डेली उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि वो पेमेंट हमें वापस ला के दीजिए। अखिलेश चौहान जी पे कोई जांच नहीं, समिति सेवक पे कोई जांच नहीं, बघेल पे और भ्रष्टाचार, ये 10 किसान का नाम बोल रहे हैं, इसने कैसे कर लिया होगा। ये कह रहे हैं कि दबाव डाल के बिल बनवा लिए, तो मान गए कि एक दिन यदि सारे बिल बनते, एक तारीख में बनते, संयुक्त शायद उस समिति सेवक को दबा लेते। इसके लिए न किसी पे जांच अधिकारी पे हो रही है, क्योंकि जांच होती है तो सबकी पोल खुल जाएगी। इनके पास सिर्फ एक हथियार बचा है कमजोर, जो कि किसान को फर्जी बनाओ, इन पे एफआईआर कराओ और इनको दबाओ। झूठ नहीं बोला, सही जानकारी दी विधानसभा में, बाहर आके झूठ बोल रहे हैं ये लोग, है ना। जय कमल पटेल जी ने वहाँ अंदर जवाब दिया, कमल पटेल मंत्री जी का जवाब है। क्वेश्चन जयवर्धन सिंह का था, उसका जवाब है कि ऋण माफी हुई है और 26 लाख कुछ किसानों की हुई है, 95,000 किसानों की हुई है और उसके साथ अमाउंट भी दिया था, सब डिटेल दी है। उसके बाद ये भी दिया कि आगे भी करेंगे और करना पड़ेगा, लिखित में दिया करना भी पड़ेगा। विधानसभा में भी विधानसभा सदस्य रहा हूँ, मुझे मालूम है अगर वहाँ जवाब आ गया है तो वो जवाब को नकार नहीं सकते कोई भी, और जवाब जो शासन ने जो कार्रवाई की है उसका ही ये ऐसे फर्जी, ये तो फर्जी काम ही करते भाजपा के लोग, है ना। झूठ बोलो, जोर से बोलो और जल्दी जल्दी बोलो, ये फर्जी काम करते। एफ आई आर कराए ना, देखे ना, एफ आई आर कमलनाथ जी के विरुद्ध एफ आई आर होगी तो आग ले जाएगी, मध्य प्रदेश में स्थिति बन जाएगी भैया। ये झूठ